इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप रेविट में जब वॉल बना लेते हैं तो उसमें आप जो है डोर कैसे आप फिट कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि आपको डोर कैसे फिट करना है। तो सबसे पहले यहां पर मैं एक वॉल ले लेता हूं, वॉल मैं यहां पर एक ले लेता हूं। एक वॉल लेने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप डोर जो है कैसे फिट कर सकते हैं रेविट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक वॉल ले लिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है इसमें जो है कि डोर फिट करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर आर्किटेक्चर पर जाना पड़ेगा। वॉल के बगल में आपको डोर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो है कि डोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं जो है ये डोर जो हमारा ये है मैं इसे फिट करता हूँ। चलिए बताते हैं कैसे फिट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डोर हमारा जो है ये हमारा जो माउस है ये कर्सर जब मैं ऊपर ले जा रहा हूँ नीचे तो ये ऊपर की तरह अंदर की तरफ खुल रहा है डोर, और जब मैं इधर ले जा रहा हूँ तो ये बाहर की तरफ खुल रहा है। तो फिर मैं इसे अंदर की तरफ करता हूँ तो फिर यहाँ मैं जो राइट क्लिक करता हूँ माउस को तो ये हमारा जो है डोर फिट हो जाता है। चलिए आपको 3D में करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब मैं 3D में करता हूँ तो आपका जो है ये डोर जो है यहाँ पे फिट हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं ये आपका जो है डोर यहाँ पे फिट हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपका डोर जो है ये फिट हुआ है। चलिए एक और डोर लगा के आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा डोर ये हो गया। अब हम इस डोर को क्या करना है, हमें इसे लगाना है। तो इस डोर को जब हम फिट करना है तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे डोर फिट कर रहे हैं पर इस साइड हमें लेना है ओपनिंग, तो इस साइड नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से आपको स्पेस बटन प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे तो इस साइड ओपन होने लगा, फिर मैं प्रेस करता हूँ तो इस साइड होने लगा, फिर मैं प्रेस करता हूँ तो फिर से इस साइड होने लगा। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से आपको जो है स्पेस प्रेस करना है। उसके बाद इसको फिट करने के लिए आपको जो है माउस से राइट क्लिक करना है, फिर आपका ये डोर है डोर फिट हो गया। अब बात करते हैं अगर आपको ये डोर जो है इसका जो है अगर आपका साइज ज़्यादा चाहिए, यानी कि ये जितने फिट बाय जितने फिट का है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 फिट 6 इंच इतने का है और इतना इसकी हाइट है। तो आप अपने अनुसार जो है यहाँ पे जो है रेविट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप इसका विड्थ और हाइट दे सकते हैं, उसके अनुसार आप जो है कि डोर यहाँ पे रख सकते हैं। तो चलिए आपको करना क्या है, आप अगर कुछ भी यहाँ वैल्यू दे देते हैं उसके बाद आपको अप्लाई करना है, फिर ओके कर देना रहेगा। अब चलिए 3D में करके आपको दिखाते हैं। तो 3D में आप देखेंगे तो ये जो हमारा डोर है ये हमने लगा दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें हमने डोर फिट किया हुआ है, यहाँ पर हमने एक डोर फिट किया हुआ है और एक यहाँ पर हमने डोर फिट किया हुआ है। तो ये हमारा वीडियो है डोर के बारे में कि आप रेविट में जो है कि वॉल बनाने के बाद डोर कैसे फिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए।